आज से 20 साल पहले 94 में वी मेट इन फैक्ट ओके मोर देन 20 इयर्स फाइन शी इज करेक्ट द वाइफ नॉर्मली करेक्ट्स यू ऑलवेज सो हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह से मुतासर नहीं थे कि हम किसी की बातों में आकर और गुरुओं के पास जाना शुरू कर दें। मीडिया से मेरा ताल्लुक था और बल्कि मैं गुरुओं के ऊपर रिपोर्टिंग करता था ओके और कभी सोचा नहीं था कि ये मुकाम भी आएगा कि हमें गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो लॉली आंटी के जो पेरेंट्स थे वो हमें लेकर गए और गुरु जी कहते रहते थे कि भाई हम आपके सन लॉ को टीवी में देखते हैं और खबरें पढ़ते हैं ये है वो है तो उन्हें लेके आइएगा कभी। तो इनके मदर ने कहा कि वो मेरी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है तो उन्होंने कहा फिर तो ज़रूर लेके आइएगा उन्हें। पर हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम इनमें विश्वास नहीं करते हमें कोई ज़रूरत नहीं इस तरह से जाने की। खैर जब बहुत हुआ तो उन्होंने कहा चलो आप हमारी वजह से ही चल पड़ो इनके पेरेंट्स ने कहा और मैं और डॉलेंट हम लोग चले गए और आप विश्वास कीजिएगा उन्होंने जो भी शुरू में ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हमको प्रूव करी कि हम लोग वाकई में हम पागल हो गए कि हो क्या रहा है ये। कभी उन्होंने बिना मिले ही पहचान लिया कि तुम डॉली हो तुम ये तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती रही। खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट स्टूडियो का जो एक मतलब होता था उस जमाने में लोग जब कहते थे कि तुम अपना स्टूडियो खोल लो तो नॉर्मली स्टूडियो यूज टू मीन द फोटो स्टूडियो कि आप तस्वीर खींचने वाला स्टूडियो खोल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम एक साउंड स्टूडियो खोलो। तो हम सोचते थे कि जालंधर में एक वो शख्स जिसका टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है एंड ही इज टेलिंग मी कि तुम स्टूडियो खोलो। और मेरा बड़ा एक बेसिकली आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रांग डिजायर टू स्टार्ट माय ओन स्टूडियो आल्सो मैं खोलना भी चाहता था अपना स्टूडियो लेकिन क्योंकि फ्रीलांसिंग इतनी ज्यादा होती थी एवरी सेकंड कमर्शियल हर विज्ञापन मेरी वॉइस में होता था तो मैंने कहा मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं मेरे इतने सब स्टूडियो अवेलेबल कि मुझे बुलाते हैं और माशाल्लाह जहाँ तक एक आपकी शोहरत का सवाल है चेहरा जाना पहचाना मैं क्यों इस अपने बिजनेस में जाऊँ फ्रीलांसिंग से इतना पैसा मिल रहा है। खैर उन्होंने कहा नहीं तुम अपना स्टूडियो खोलो। तो मैंने गुरु जी कहा स्टूडियो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है उन दिनों में बहुत महंगा हुआ करता था अब थोड़ा सस्ता हो गया डिजिटल वर्ल्ड की वजह से। सो कह कह के चले गए और आप बिलीव कीजिएगा एक शख्स आता है बोला यहाँ पर एक जगह मिल रही है हाउस का जलवेर में यार इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले लो बेसमेंट है। अच्छा बेसमेंट का मैं क्या करूँगा बोले ले लो यार बहुत सस्ती में मिल रही है। खैर कहीं से पैसे वैसे जमा कर एक फ्रीलांसर लोग थे हम लोग जो आर्टिस्ट लोग सोनिया भी जानती है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है यही दौलत होती है हम लोगों की। सो एनीवे वी इन्वेस्टेड इन दैट और लेके रख दी। फिर उसके बाद हम लोग अमेरिका घूमने चले गए मैं और डॉली। तो मुझे वहां पर एक फोन आता है कि वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई है ऑडियो इक्विपमेंट की जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है वहां से आता है। सो मेरे को थोड़ा लगा यार ये गुरु जी ने कहा था अपना स्टूडियो खोल लो पर मेरा कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सो आई सेड आई डोंट हैव मनी नाउ एंड उस जमाने में इन्वेस्टमेंट मिनिमम यूज्ड टू बी 12 लाख 15 लाख उस जमाने में। सो आई सेड नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता। एंड आई टोल्ड माई कजन हु इज अ डॉक्टर हु इज अ रेनाउंड डॉक्टर एंड ही सेड यार अगर लेना तो ले ले हियर इज माई क्रेडिट कार्ड तुम ले लो। मैंने कहा यार अच्छा चलो हम बड़ा उसमें आ गए इसी में खुश हो गए क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो ले लीजिए। हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया सामान। जब हमने इकट्ठा कर लिया हम लोग उसे उनके घर पे ले आए और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी कि शमी नारंग जी जब आप उतरेंगे तो इसका कस्टम कौन देगा और उस जमाने में 155% कस्टम लगा करता था। तो हमने कहा भाई यहीं छोड़ के भाग लेंगे हम लोग एयरपोर्ट कर लेंगे आप तुम ही खोलो स्टूडियो हम ले तो आए बड़े उसमें। Can you believe it? Absolutely no exaggeration. I get down. Customer said, oh, Mr. Narang, how are you? I said, very well. So I gave him the list. कि भाई मुझे अब बता दो इस मुकाम पर आकर मरना है या जीना है कि इतना सारा सामान मैं लेके आ गया। उसने बोला बेचोगे तो नहीं ना। मैंने कहा नहीं कहते जाओ फिर। Can you imagine? The stuff must be worth 12 lakhs. 12 lakh का सामान। मैंने कहा सर इसके कहते जाओ यार तुम आर्टिस्ट लोग ले जाओ। कौन था वो शख्स मुझे मालूम नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन देन आई सेड नाउ सिंस आई गॉट द इक्विपमेंट मेरे पास इक्विपमेंट आ गया मुझे खोलना ही पड़ेगा। मैंने फिर अपना स्टूडियो खोला। स्टूडियो खोलते खोलते आप ये मान के चलिए
फिर जब हम लोग अपना एक मकाम अपनी पॉपुलैरिटी न्यूज़ की, उस समय सिर्फ 6 लोग हम लोग नेशनल न्यूज़ रीडर्स हुआ करते थे, हम लोग ही जाने पहचाने चेहरे थे, तो हमने कहा बस ये जो आपकी जो मकबूलियत है, आपकी शोहरत है और जो पॉपुलैरिटी है कुछ दिन की है, उसके बाद आप हमेशा हर आदमी की तरह आप भी फेड आउट हो जाएंगे, बहुत हुआ तो थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ जिंदा रहेगी। गुरुजी ये नहीं चाहते थे। गुरुजी कहते थे कि मैं चाहना कि तेरी जो आवाज है वो अमर रहे। हमने समझ नहीं आया क्या कह रहे। कैन यू इमेजिन इन 2001 तो उन्होंने कहा दिल्ली में मेट्रो शुरू हो रही है, तो हमें मालूम ही नहीं था कि मेट्रो के अंदर इन ट्रेन मैसेजेस भी होते हैं, इन फ्लाइट मैसेजेस होते हैं, ऐसे ही इन ट्रेन भी होते हैं। तो पहली मरतबा हमने फॉरन में देखते थे कि जब गाड़ी रुकती थी तो कहते थे नेक्स्ट स्टेशन इज सो एंड सो। सो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो हमारे श्रीधरन जी थे जो मेट्रो के चेयरमैन थे उस जमाने में करता, और मेट्रो का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, आधे लोग तो नाउम्मीद थे कि पता नहीं चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट के लिए आपकी वॉइस और रिन्नी की वॉइस, रिन्नी खन्ना जो अंग्रेजी में मेरे साथ न्यूज पढ़ती थी, कि इन दोनों की वॉइस को ले लिया जाए। सो आई सेड चलो। तो हमें उस वो उसमें बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन नहीं होती, अगर आप कभी मेट्रो में ट्रेवल करेंगे तो बहुत स्ट्रेट सा बोलते हैं कि अगला स्टेशन सो एंड सो, है ना, कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती उसमें, जोर बाग बस ये कह के चुप हो जाते हैं। सो ऐसा यार इसमें कोई क्रिएटिविटी वाली कोई बात ही नहीं है, यू नो लाइक हम बोल रहे हैं सर चलो बोल दिया। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेटरी, उन्होंने उसको अनिवार्य कर दिया कि जहां भी हिंदुस्तान में मेट्रो खुलेगी आवाज शमी नारंग की होगी और रिन्नी खन्ना की होगी। सो यू कैन इमेजिन आज हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाते हैं कितना बड़ा नेटवर्क हो गया। आप चाहे जयपुर चाहे बॉम्बे, बॉम्बे में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली के लड़के खुलेंगे, दे समहाउ मैनेज्ड, नो वॉइस वही आएगी, जबकि बॉम्बे में कितने अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं। सो खैर ये मैंने चलता रहा, फिर मुझे बात याद आई, मेरे पास एक रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स से मेरी इंटरव्यू लेने आती है, बहुत आजकल इंटरव्यू बहुत लेते हैं कि मेट्रो वॉइस। एक जमाने में हमें कहते थे द न्यूज रीडर, आजकल स्कूल्स में लिखा था वेलकम मेट्रो अंकल। सो दिस विच इज वेरी गुड ऑल्सो वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो, यार इतनी जिंदगी बिता दी मीडिया के अंदर और अब मेट्रो अंकल बन के रह गया। बट देन दैट लेडी इतनी होंगी वो कहने लगी कि अंकल डू यू नो लाइक इट्स अ वंडरफुल थिंग, आप जिंदगी में आपने डिजिटल रिकॉर्डिंग गाड़ी के अंदर छोड़ दी है। जब तक हुडा सिटी सेंटर का नाम हुडा सिटी सेंटर रहेगा, राजीव चौक का नाम राजीव चौक रहेगा, आपकी आवाज बचती रहेगी। मैंने कहा हाँ ये तो सोचा नहीं, इसका मतलब आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी सुनेंगे और वो कहा करेंगे हमारे दादा के दादा की दादा की वॉइस। हम लोग कई बार अपने गुरुओं से कुछ ऐसी चीज सुन लेते हैं लेकिन हम उसे डिनाई कर देते हैं कि हो गया तो हो गया यार, बड़े बड़े लोग बुजुर्ग बहुत कुछ कहते रहते हैं, बट सटल वे में वो आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आप किसी को मालूम नहीं है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि वंस यू बिगिन इट, पता नहीं वो क्या सोच के बैठे हुए हैं आपके लिए और वो कौन से वक्त पे आपको क्या कर रहे हैं। एक जर्रे को उन्होंने मेरे जैसे आदमी को पहाड़ बना दिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी एंड शुक्राना, एंड इसी तरह की दुआएं आपके साथ भी हमेशा रहें, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस यू, जय गुरुजी।